चौथा दिन बीत जाएगा, सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। नहीं सुनेगा तो सुनवा देंगे हम लोग। हाँ अभी तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है, उग्र प्रदर्शन भी सरकार देखेगा। आरा के लोग इस तरह भी जानते हैं, अपने क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते हैं। क्रांति किया जाएगा एकदम ही, तो अभी आगाज है, अभी बहुत सारा चीज बाकी है, तो अगर नहीं आरा के लोगों में जो जुनून थोड़ा ज्यादा रहता है। हाँ हाँ तो सुनवाया जाएगा, उनको सुनवाया जाएगा। 114,000 सचिव है बिहार में, तो सुनना तो पड़ेगा इनको। ऐसे फ्री में किसी से काम नहीं करा सकते हैं आप। 5 साल आप बेरोजगार कर रहे हैं, 5 साल रख के ये लोग कहाँ जाएगा, क्या करेगा? सबके साथ परिवार जुड़ा हुआ है, सबका 5 गो फैमिली मेंबर है। वो अपना आज के डेट में आप सचिव नया रखिएगा, पुराना सचिव क्या करेगा आज के डेट में? सबका परसेंटेज सचिव इसमें ऐसा है कि उसका लाइफ बर्बाद हो गया 5 साल में, एज खत्म हो गया, कहीं नौकरी अप्लाई नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, है? कोई दूसरा जगह काम किया रहता तो कुछ अनुभव एक्सपीरियंस होता, भविष्य में कुछ प्रगति करता, लेकिन 5 साल रह के आप उसको बेरोजगार कर दिए। एक चिट्ठी निकलता है और बिहार के 116,000 लगभग अप्रोक्स लोगों का भविष्य अंधकार में पड़ जाता है, और 116,000 वार्ड सचिव एक ही रात में रोड पर आ जाते हैं। कहाँ से आए हुए हैं? अक्सर से आए हुए हैं। कितने दिन संघर्ष चलेगा? संघर्ष तो अब देखते हैं कितना दिन, जब तक से हम लोग का मांग नहीं पूरा होगा तब तक से संघर्ष चलता रहेगा। संघर्ष चलता रहेगा, चलता रहेगा। अभी आप रात में, ठंड का मौसम ज्यादा है, सुबह से कुछ खाना वाना खाए हैं? अभी कहाँ खाए हैं हम लोग, इस भूखे पेट से। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ से आए हुए हैं आप? हम लोग सारण से आए हुए हैं। हम सभी वार्ड सचिव का चौथा दिन आज धरना प्रदर्शन यहाँ पे है गर्दनी बाग में। हम सभी वार्ड सचिव काफ़ी चिंतित और घबराए हुए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके इस चैनल के माध्यम से ही मांग करता हूँ कि हम सभी वार्ड सचिव पर दया दृष्टि डाला जाए। हम सभी वार्ड सचिव आज आर्थिक तंगी का शिकार होके, भुखमरी का शिकार होके मरने पर मजबूर हो गए हैं, और मुख्यमंत्री जी का जो नारा था न्याय के साथ विकास, उनका नारा एकदम झूठा साबित हो रहा है, क्योंकि विकास तो हम सभी वार्ड सचिव ने कर दिया, लेकिन हम लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। और हम सभी वार्ड सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी से यही मांग करते हैं कि हमारी बातों को गंभीरता से सुने, हमारी मांगों पर विचार करें, अन्यथा अभी शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन चल रहा है, आने वाले समय में उग्र आंदोलन होगा, जेल भरो आंदोलन होगा, और उससे भी हम आगे बात को मुख्यमंत्री जी नहीं मानेंगे तो हम सभी वार्ड सचिव यहीं पे आत्मदाह करने का भी हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वार्ड सचिवों का प्रतिष्ठा का बात है, उनका हक अधिकार का बात है। इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ कि हम सभी वार्ड सचिवों पर दया दृष्टि डाला जाए और हमारी मांग पर पुनः विचार किया जाए। और सबसे बड़ा जो लापरवाही यहाँ पर दिख रहा है प्रशासन का, इस कड़ाके के ठंड में प्रशासन के द्वारा यहाँ पे कुछ व्यवस्था नहीं किया गया है। हमारे वार्ड सचिव भाई आज रोड पर सो रहे हैं, ये कैसा न्याय है माननीय मुख्यमंत्री जी, ये कैसा न्याय है? विचार किया जाए। आप एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, बिहार में आपका नाम मान सम्मान से लिया जाता है, लेकिन ऐसा मत कर दीजिए कि लोग आपका मान सम्मान करना छोड़ दे और आपका नाम लेना लोग छोड़ दे। हम सभी लोगों के दिल में जो आक्रोश है आप इस देख सकते हैं यहाँ पे वार्ड सचिव भाई लोगों को, कि अभी लोग शांत बैठा हुआ है, गम में लोग डूबा हुआ है। अगर हमारी मांग 5 दिन के अंदर बिहार सरकार पूरा नहीं करती है तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। चौथा दिन बीत गया, चौथा दिन बीतने वाला है, अभी लगभग 5 व्यक्तियों का तबियत खराब हो चुका है। 2 व्यक्ति की कल ज़्यादा स्थिति खराब था, अब 3 व्यक्ति की खराब, लोग कुल व्यक्ति 5 व्यक्ति का तबियत खराब हो चुका है। सर्दी इतना ना है, इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि प्रशासन कहाँ है? यहाँ पे ना ऊपर से ट्रेन का व्यवस्था किया गया है, ना यहाँ पे अलाव का व्यवस्था किया गया है। यहाँ पे तो दिख रहा है सरकार को कि मरने दो इन लोगों को, मरने के लिए तो बिहार सरकार हम लोग को घर से बाहर की है ना, तो हम लोग मरने के लिए तैयार है। हमारे बारे में प्रशासन को चिंता नहीं है तो हमें भी चिंता नहीं रहेगा मुख्यमंत्री जी का। हम बस यही उनसे आज आग्रह विनती आरजू कर रहे हैं कि आप अभी भी समय है, बिहार के 1.25 लाख वार्ड सचिव के बारे में आप सोचिए, क्योंकि आप उन सभी वार्ड सचिव का जन्मदाता है और आप ही उन सभी लोगों का भाग्यदाता भी बनिए, हमें बहुत खुशी होगी। कहाँ से आए हुए हैं आप जी? सबसे पहले तो मैं इस धरना प्रदर्शन में आप मीडिया के लोगों का तहे दिल से सम्मान करते हैं,
और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं कैमूर की धरती दुर्गावती प्रखंड से चलकर आया हूँ और मेरा नाम सिद्धनाथ शर्मा है। मैं जिला कमेटी में जिला संयोजक पद पर आसीन हूँ संघ के। मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने लगातार 4 वर्षों तक सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट को, नीतीश गवर्नमेंट के ड्रीम प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने का काम किया है, लेकिन एक इसके एवज में हमें कोई मानदेय भत्ता नहीं मिला है। हम आपको बताते चलें कि हम लोगों का चयन इलेक्शन और सिलेक्शन दोनों के तहत हुआ था, वार्ड सभा के माध्यम से हुआ था, और हम लोगों का मैट्रिक बेस पर सिलेक्शन हुआ था, वो भी आम सभा के द्वारा। लेकिन आज स्थिति यह है कि हम लोगों ने तो नीतीश के चेहरे को पूरे बिहार ही क्या, पूरे भारत में परचम लहरा दिए चेहरे का, लेकिन आज स्थिति हम लोगों की यह है कि हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। स्थिति यह है कि हम लोगों की उम्र भी गुजर चुकी है। एक चिट्ठी निकलता है और 1,16,000 अप्रोक्स बिहार के जो भी वार्ड सचिव है उनका भविष्य अंधकार में डाल दिया जाता है। जी जी, जैसा कि निर्देशक महोदय का, रंजीत कुमार जी का लेटर निकला है, जिससे कि हम लोगों के दिलों पर आघात पहुंचा है। हम लोगों ने 4 वर्षों तक काम किया है। मैं पूछना चाहता हूं रंजीत कुमार जी से मीडिया के माध्यम से कि अगर आप सरकार के नौकर हैं तो मैं भी वार्ड स्तर पर सरकार का नौकर हूं। आप वेतन पाते हैं क्या? मुझे वेतन नहीं चाहिए? मेरा परिवार नहीं है क्या आपका केवल परिवार है? मैं आवाज लगाना चाहता हूं, सम्राट चौधरी जी से सवाल खड़ा करना चाहता हूं कि आप जनता का नेतृत्व करते हैं, सरकार का मंत्री हैं और जनता का नेतृत्व करते हैं, क्या आपको वेतन भत्ता नहीं मिलता है? क्या मेरे पेट नहीं है, मेरे पीछे बाल बच्चे नहीं है? मैं आप मीडिया के लोगों का सम्मान करते हुए मैं बता देना चाहता हूं कि एक कंधे पर कहीं वार्ड का बोझ है तो दूसरे कंधे पर परिवार का बोझ है साहब, जिसको लेकर आज हम लोग जर्जर स्थिति में करो या मरो के नारे के साथ हम लोग यहाँ गर्दनी बाग के, पटना गर्दनी बाग के यहाँ धरना स्थल पर आए हुए हैं। और नीतीश जी को आगाज कर देना चाहते हैं कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार जी, आप लोग कुर्सी पर बैठकर हम ही लोगों का किया कराया आप लोग पूरे भारत में बाबाई लूट रहे हैं। जब तक हम लोगों को अस्थाई मानदेय सम्मानजनक मानदेय अस्थायी तो नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग धरने से हटने वाले नहीं हैं। हम लोग मरने के लिए तैयार हैं, यहाँ आत्मदाह कर देंगे लेकिन धरने से कभी हटेंगे नहीं। ये कैमूर के धरती का लाल आज यह गर्दनी बाग के प्रांगण में ऐलान के साथ कहता है कि नीतीश बाबू, हमारी 3 सूत्रीय मांग को पूरी करते हुए, हमें भी अपने शरण में रखते हुए, हमें जीने का एक सहारा बनाइए, क्योंकि आप ही वार्ड सचिव के जन्मदाता हैं और कर्मदाता भी हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी हम गर्दनी बाग धरना स्थल पर अभी हैं। आप देख सकते हैं कि भी अभी आपको दिखा रहे हैं तस्वीर, गर्दनी बाग धरना स्थल लाइव, बने रहिए अपनी 22 कुमार शशि के साथ।